हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सिल्वर फॉक्स गेमर यूट्यूब चैनल के और एक नया एंड फ्रेश वीडियो में। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सब लोग अच्छे हो एंड बढ़िया हो और आगे भी अच्छे रहना। तो भाई लोग, हमारे गेम पे आ गया है रोनाल्डो कैरेक्टर सिर्फ 100 डायमंड टॉप अप से। तो 300 डायमंड टॉप अप से आप लोगों को मिलेगा एक मतलब इमोट, और 500 डायमंड टॉप अप पे मिलेगा आप लोगों को क्रोनो का बंडल। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ रोनाल्डो कैरेक्टर मतलब क्रोनो चाहिए। तो मैं अभी जाऊंगा 80 रुपये का 100 डायमंड टॉप अप करने के लिए। तो मैं टॉप अप करके आ गया, तो मुझे मिल गया है CR7 मतलब क्रोनो कैरेक्टर। तो आज इस क्रोनो कैरेक्टर की एबिलिटीज़ की, इसके बारे में आप लोगों को फुली डिटेल्स में बातें करेंगे, और इस कैरेक्टर से थोड़ा गेम प्ले करूँगा, वही क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले क्रोनो को कर लेता हूँ लेवल 8 तक लेवल अप। तो मेरे पास है लेवल 8 कार्ड, तो मैं इसको भाई चिमगनगिरी हो गया लेवल 4 कार्ड यूज़ कर लिया। तो मुझे अभी दूसरा जो लेवल 8 कार्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया लेवल 8 हमारा क्रोनो। तो इसका एबिलिटी के बारे में भाई आप लोगों को फुल्ली डिटेल्स में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा जो मुझे पता है मतलब मैं बस मुझे पता चला वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या है, एवरी मतलब 40 सेकंड बाद आप लोगों को 9 सेकंड के लिए इसके ऊपर से एक शील्ड आएगा जो आपको बाहर से आने वाले सारे मतलब डैमेज से आप लोगों को मतलब बचाएगा, मतलब कुछ डैमेज आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा इस कैरेक्टर से खेलोगे। तो यही बस, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है तो मुझे जो पता चला वही बोला। और लेवल 8 होने के बाद भाई लोग, आप लेवल 8 होने के बाद 40 सेकंड बाद आप लोगों को 9 सेकंड के लिए मतलब ये शील्ड आएगा जब आप लोग यूज़ करोगे, तो नहीं करोगे तो शील्ड ऊपर से ऐसे ही नहीं आएगा। तो और लेवल 1 से 7 तक ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, जैसे 50 सेकंड बाद, 60 सेकंड बाद, ऐसे ऐसे। तो लेवल 8 है इसका हाईएस्ट लेवल, तो उस पर आएगा एवरी 40 सेकंड बाद 8 सेकंड के लिए आएगा। तो ये देखो, मैं इसको इसका जो एबिलिटी उस मतलब यूज़ कर लिया, तो दो इनमें आया था, मैं ऐसे ही खड़ा रहा लेकिन वो लोग मुझे मार नहीं पाया क्योंकि भाई मेरे ऊपर से शील्ड आ गया था। और देखो कैसे आते, ये देखो। तो भाई मैं वीडियो स्लो मोशन में बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को मतलब ये जो इसका जो स्किल का जो मतलब शील्ड आता है वो काफ़ी देर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने देर तक नहीं रुकता है, सिर्फ 8-9 सेकंड के लिए भाई रुकता है। एवरी 40 सेकंड बाद आप लोग अगर यूज़ करोगे तो सिर्फ 9 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद फिर 40 सेकंड बाद आप लोगों को इसका जो स्किल है वो यूज़ कर पाओगे, उसके पहले नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं अभी शील्ड के अंदर हूँ, तो मुझे डैमेज दे रहा है लेकिन मेरे ऊपर आ नहीं रहा, तो मैं बंदे को आराम से मार पा रहा हूँ। तो भाई अभी देखना सबसे बड़ा चिमकन डिग्री अभी होगा। तो ये देखो बंदा आएगा, बोलेगा हाय हाय, ये क्या है, क्या हो रहा है, मैं मार रहा हूँ डैमेज नहीं पड़ा। ये देखो भाई भाई स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, भाई कितना मज़ा आ रहा है भाई। मैं जब इससे गेम खेला था ना, वाकई मुझे बहुत ही अच्छा लगा था भाई, बहुत ही अच्छा लगा था। तो लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैरेक्टर क्या आलोक से वाकई अच्छा है या बुरा, तो पहले इसका गेम प्ले देख लो उसके बाद। तो देखो इसको और एक को मार दिया भाई, इसका बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा है मुझे लग रहा है। लेकिन लास्ट में बताऊंगा फुल बिल आप लोगों को कि ये कैरेक्टर आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये आलोक से वाकई अच्छा है या नहीं है। तो पहले इससे जो मैं गेम प्ले किया, थोड़ा मैं भाई नोबरा हूँ तो नोबरे का गेम प्ले भाई ऐसे होता है, तो थोड़ा देख लो उसके बाद आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा कि ये वाकई अच्छा है या बुरा। तो अरे ये क्लिप मैंने रखा कि वो यार वो इसमें मैं थोड़ा अच्छा गेम प्ले कर लिया था मुझे लगा, इसलिए मैं इस क्लिप को नहीं हटाया वीडियो से चिमखान डिग्री का। तो देखो मेरा जो फ्रेंड था उसको गाड़ी से मतलब क्या था उसका मॉन्स्टर से मतलब उड़ा दिया, तो मैं आ गया था ओपनली फील्ड में फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो उसको मारने जा रहा था लेकिन साइड से मुझे और एक चिमखान डिग्री मार रहा है।
मैं अभी थोड़ा सा ओपन जाऊंगा और मेरी जो एबिलिटी है ये देखो, आ जाओ चच्चू 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 को कर दिया खालस भाई चच्चू बहुत ही। देखो और एक बंदा मुझे मार रहा है उधर से, लेकिन मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। तो भाई और एक बात क्या है, मुझे लगता नहीं है उसके ऊपर अगर दो तीन बार लगा मतलब दो तीन एनिमी मिल के गोली मरेगा ना तो ये लगता है टूट जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा दो तीन बार हुआ है। वह या इसका 9 सेकंड होट जाता है इसलिए पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि दो तीन मतलब दो तीन एनिमी अगर उसके ऊपर गोली मारता है तो ये टूट जाता है। तो वो सब बाद में बातें करेंगे, बातें अभी तो कर ही लिया तो और क्या करूँगा। तो चिमकंडी तो भाई ये चिमकंडी ना उसको पता चल गया था मुझे लगे, क्योंकि ये भाई कुछ हाथ ही कर दिया। जब एक दो बार मैं ओपनली एक बार ओपनली आ गया लेकिन वो मुझे गोली ही नहीं मारा, उसको शायद पता चल गया कि मेरे पास ये क्रोनो कैरेक्टर है इसलिए वो। तो भाई लोग अभी की जो फाइट है ना वो देखना, उसके देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसको वाकई पता चला है या नहीं। तो देखो अभी मुझे गोली मारा, अभी ग्लोअल भी डाल दिया। तो देखना अभी मैं ओपन में उसको, मेरा एक्टिव स्किल चालू हो गया तो देखना अभी वो गोली नहीं मारेगा, मतलब मुझे लग रहा है उसको पता चल गया कि मेरे पास ये करेक्टर है। आगे आगे देखना उसके बाद ही पता चल जाएगा। साला पता चल, ये बहुत ही भाई मैं तो कैरेक्टर लेके चिमकंडी गिरी कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये साला तो मेरे साथ ये क्रोनो कैरेक्टर छोड़ के चिमकंडी गिरी लगा दिया। तो मैं अभी इधर से घूम के जा रहा हूँ क्योंकि ये इधर से आने वाला है। तो देखो 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 वो आप बताया ना। तो देखना भाई ये बहुत परेशान किया भाई, मेरे पास वो कैरेक्टर है इसलिए उसको मैं परेशान कर पाया, लेकिन वो बाकी लीजेंड प्लेयर था इसलिए मुझे बहुत परेशान कर दिया। तो लास्ट में देखना क्या होता है, कुछ सिमिकन डिग्री हो जाए। तो मैं अभी इधर से ग्लोअल लेने वाला हूँ। तो भाई तो मैं ग्लोअल लेके आया लेने आया था। तो देखो ना भाई, भाई ये गेम मैं स्पीड में खेल रहा था तब जब गेम का जो रियल स्पीड है, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि मेरे पास ग्लोअल आ गया लेकिन ग्लोअल नहीं आया। देखो अभी भी लगा मुझे ग्लोअल आ गया लेकिन नहीं आया। तो भाई लोग अभी हो जाएगा मेरा मौत, क्योंकि मैं ग्लोअल नहीं उठा मेरे हाथ में और मैं अभी शील्ड बना दिया। देखो मुझे गोली मारेगा लेकिन मेरे ऊपर गोली नहीं आएगा। तो भाई वीडियो में समझने वाला और कुछ है नहीं, मुझे लगता है जो भी मुझे आता था मुझे समझ में आया वो आप लोगों को बता दिया। तो भाई लोग और क्या, देखना अभी मेरा हो जाएगा मौत। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना है। तो भाई लोग एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलना भूल गया, इस कैरेक्टर की जो स्किल है उसकी जो शील्ड आता है उसके अंदर जाके आपको कोई भी एनिमी मार सकता है। एंड आप लोग की दोस्त अगर ये सोचते कि इसके अंदर जाएगा तो उसको भी डैमेज नहीं पड़ेगा, तो भाई ये रॉन्ग है, आपको डैमेज पड़ सकता है। तो भाई लोग आज की वीडियो इतना ही, तो बाय बाय दोस्तों, अच्छे रहना और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना।